संस्कार की मंत्री उषा ठाकुर के मदरसों को लेकर दिए विवादित बयान ने तूल पकड़ा है। उषा ठाकुर के बयान को लेकर मुस्लिम समाज के नुमाइंदों ने कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर मंत्री उषा ठाकुर को बर्खास्त करने की मांग की। ज्ञापन देने आए मुस्लिम समाज के लोगों का कहना था, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने और देश और समाज को तोड़ने के लिए मंत्री उषा ठाकुर ने विवादित बयान दिया है। उषा ठाकुर जी ने जो बयान दिया है कि मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसको बंद कर देना चाहिए क्योंकि मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं, तो हमने उनको मंत्री पद पे, इतने जिम्मेदार पद पे, संवैधानिक पद पर होने के बाद वो इस तरह का अगर बयान दे रही हैं तो देश के अंदर आज 75 सालों में कितने सारे बड़े बड़े लोग मदरसों से निकले हैं, जो मदरसों में पढ़ कर देश की सेवा कर रहे हैं, हमारे मस्जिदों के इमाम, आलिम, हाफिज, कारी और सबसे बढ़कर डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, वैज्ञानिक बने, उन्होंने जो है मदरसों से ही पढ़ाई हासिल करी और हजारों लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मदरसों से निकल कर फांसी के फंदों को उन्होंने चूमा है।